के है वो टूर्नामेंट में अच्छा करे। आई थिंक आज भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, सब टीम्स यही कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन बने, अच्छे से अच्छे प्लेयर्स मिले जो इन फॉर्म हो। HPL PSL 5 में से फेवरेट मेमोरी कौन सी है? फाइनल हमारा ये था कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये पूरा PSL हुआ और बहुत सारे लोग आए। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट के कुछ मैचेस थे वो बिहाइंड क्लोज डोर्स हुए, लेकिन ये था वो मजबूरी थी, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा जो था एटमॉस्फेयर था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अपनी कंपेटिटिव टीम्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते, और वो भी आपने हर अच्छे प्लेयर के साथ आते हैं, वो कोशिश यही होती है कि उनके हर प्लेयर अच्छा उठाए, और कभी भी आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। अब मैसेज यही है कि क्या मैसेज है सबको, यही है कि गुड लक। सिंपल मैसेज है, मेक द बेस्ट टीम, और फिर उसके बाद ये है कि अच्छा अच्छा खेलें ताकि लोग जो है बहुत सारा एंटरटेन। ठीक है, लास्टली इस बार फैंस के बगैर मैचेस होंगे तो कैसा फील हो रहा है, कैसे देखते हैं? और लास्टली आपने इस सवाल के जवाब में कहना है जहां फैंस वहां स्टेडियम। बिल्कुल जी, फैंस के लिए फैंस को काफ़ी मिस करते हैं, और अगर फैंस ना हो तो हमें भी मज़ा नहीं आता। ग्राउंड खाली हो तो चेयर अपना मिले तो इतना मज़ा नहीं आता जैसे आप इंजॉय करते हैं क्रिकेट को, तो बिल्कुल हम उनको काफ़ी मिस करते हैं। एंड पे कहते हैं जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम, जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम। जी शुक्र। फैंस के बगैर बड़ा टफ हो जाता है जब आप खेल रहे हो, लेकिन ये है कि मजबूरी है, इस पे सभी जो है वो इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हम वी विल कम आउट फ्रॉम दिस कोविड थिंग, और ये है कि आई एम श्योर घर पे बैठ के वो जरूर इसको एंजॉय करेंगे, और एक चीज़ और भी अच्छी हो जाएगी कि सब लोग जो है साथ में बैठ के घर में मैचेस देखेंगे। और PSL हमें पता है बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ओवर द ईयर्स जो है बहुत बड़ा बन गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल और बड़ा होगा। जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम, जहाँ फैंस वहाँ स्टेडियम। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।